नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। मणिपुर से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई तो हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार पर धावा बोल दिया और बदले में सरकार विपक्ष को घेरने में लग गई। इस देश में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की कितनी भी छीछालेदर कर लें, लेकिन राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। चाहे सरकार हो या विपक्ष, हर किसी पार्टी को दूसरी पार्टी के दाग ज्यादा गंदे नजर आते हैं और अपना झूठ सबसे मजबूत दिखता है। मणिपुर पर शोर मचाने वाली विपक्ष पार्टियों के यहाँ भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जहाँ पर नारी सम्मान को ठेस पहुँची और वायरल हुई ऐसी घटनाओं के वीडियो ने देश को भी शर्मसार कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुशासन बाबू के बिहार की। बिहार के मोतिहारी में सरेआम एक महिला और उसके प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उनके सिर मुड़वा दिए गए। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह को भी मौका मिल गया और उन्होंने नीतीश कुमार को नैतिक पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पाठ नीतीश मोदी सरकार को मणिपुर को लेकर पढ़ा रहे थे। यही वजह थी कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि राजनीति के इस हमाम में सब नंगे हैं। अब थोड़ा आपको पूरी वारदात के बारे में भी बता देते हैं। ये जो पूरा मामला है 27 जुलाई का बताया जा रहा है और बिहार के पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड के सकरार गांव का है। यहां पर प्रेम प्रसंग के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को पति और गांव वालों ने जमकर पीटा। प्रेमिका के पति ने प्रेमी से ही अपनी पत्नी की पिटाई कराई और खुद भी उसको पीटा। फिर पत्नी और उसके प्रेमी की आपस में पिटाई कराई। इसके बाद पति का मन नहीं भरा तो नाई बुलाकर दोनों का सिर भी मुड़वा दिया। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तब बिहार पुलिस भी होश में आई और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार कम से कम बिहार में तो बैकफुट पर हैं। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से मणिपुर का बदला ले रही है। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर ममता दीदी का राज है। खुद एक महिला होने के नाते ममता दीदी को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी तस्वीर बिगड़ी हुई है। ये मामला इसी साल फरवरी का है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में अनैतिक संबंध के आरोप में एक महिला और एक युवक को नंगा कर पेड़ से बांध कर बुरी तरह पीटा गया। इतना ही नहीं हुआ, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात दक्षिण 24 परगना जिले के कुलपी के करंजली गांव में हुई। मामला सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को छुड़ाया। पुलिस के मुताबिक कुलपी थाने के करंजली क्षेत्र निवासी महिला का पति दूसरे राज्य में नौकरी करता है। घर में वो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। इस बीच उस महिला की सास को ये शक हो गया कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके अवैध संबंध किसी और के साथ हैं। वारदात से पहले वाली रात को परिवार ने महिला को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसके बाद क्या था, पीड़िता के ससुराल वालों और मोहल्ले के लोगों ने महिला और युवक को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांध दिया और जमकर पीटा। यहां तक कि उस पल का वीडियो भी बना लिया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद से ही महिला बेघर हो गई। न तो उसका पति उसे लेने के लिए तैयार है और न ही महिला के खुद परिवार वाले। अब सवाल ये है कि ये वारदात भी उतनी ही शर्मसार कर देने वाली थी जितनी मणिपुर की, लेकिन इस पर कोई हो हल्ला क्यों नहीं हुआ? क्या पश्चिम बंगाल की महिला की इज्जत मणिपुर की महिला की इज्जत से कम है? अब समझ समझ की बात है, लेकिन हमारे नेताओं की सोच राजनीति से शुरू होकर राजनीति पर ही खत्म हो जाती है। उनके अंदर का इंसान न जाने क्यों कुर्सी पाते ही मर जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। बीजेपी इस प्रदेश के कानून व्यवस्था की मिसालें देती है। सीएम योगी कहते हैं कि महिलाओं पर हाथ उठाना तो दूर, किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो खैर नहीं। सीएम योगी के इसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इसी साल मार्च में बारा सगवर थाना इलाके के एक गांव में प्रेमिका के बुलाने पर उसके घर गए प्रेमी को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों को एक दूसरे से बांधने के बाद जमकर पीटा। इस दौरान किसी ने प्रेमी युगल को दी जा रही तालिबानी सजा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रेमी युगल बचाव के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन पिटाई करने वालों का दिल नहीं पसीजा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों से दोनों को छुड़ाया। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि यहाँ पर तो मणिपुर जैसे वैश्यपन तो नहीं किया गया था,
फिर इस घटना को मणिपुर की घटना से तुलना करना क्या सही होगा? तो इसका जवाब ये है कि मणिपुर की घटना पर भी तभी हंगामा मचा जब वीडियो वायरल हुआ, और यहाँ पर भी पूरी घटना का वीडियो वायरल किया गया। जितना दर्द मणिपुर में दंगी की गई महिलाओं को महसूस हुआ होगा, उतना ही दर्द यूपी की इस महिला को भी हुआ होगा, जिसे प्रेमी के साथ बांधकर पीटा गया था। अगली घटना है कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान की। अशोक गहलोत मणिपुर पर सरकार को गजब लेक्चर दे रहे थे, लेकिन उनके खुद के राज्य में क्या हो रहा है, इस बारे में उनके मुंह से कुछ क्यों नहीं निकलता? क्यों ऐसा नहीं होता कि खुद ऐसी घटनाओं को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उस पर लानत भेजें और ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों को सख्त सजा की चेतावनी भी? ये वारदात इस साल मार्च की है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने तालिबानी सजा दे डाली। पुलिस को सही समय पर वारदात के बारे में बताया गया, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। इस दौरान गांव में जो भी आया उसने लड़के को लातें मारी और लड़की के बाल खींचकर उसका चेहरा दबोचा। दोनों को बांधकर अधमरा होने तक पीटा जाता रहा। पुलिस ने इस मामले में लड़की के भाई को अरेस्ट कर लिया। क्या सरकार क्या विपक्ष, देश के अलग अलग राज्यों में राज करने वाली ये पार्टियां हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने का मौका ढूंढती रहती हैं। लेकिन असल में क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई बात नहीं करता। कब वो दिन आएगा जब राजनीतिक पार्टियां इस बात की होड़ करेंगी कि अगर मेरे यहाँ वारदात हुई है तो मैं उस पर राजनीति ना कर उस महिला के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करूंगा। काश ऐसा हो पाता कि हमारे नेता राजनीति से ऊपर उठकर देश और देश की जनता के बारे में भी सोच पाते। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।